बिक करता है, बाज़ उसका जो इंतबाक होता है सही निकलाता है, और बाज़ ऐसा भी होता है कि उसको किसी इल्हामी पेशगोई के मुंतबिक करने में गलती भी लग सकती है, और वो फरमाती हैं कि मैं इंसान हूँ और मुझसे गलती हो सकती है। सामिन इकराम, चंद दिन पहले मोहतरम और अजीज़म अमीर फैसल साहब ने खाकसार के आगे एक सवाल रखा था, जैसा कि वो फरमाते हैं। मोहतरम उल मुकाम आले जनाब मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब, कायद अहमदी जमात इस्लाह पसंद तंजीम। सर, आप आज की दुनिया में नबुव्वत के दावेदार हैं। मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादियानी साहब को नबी मानते हैं। सर, मैंने जितनी तहकीक की है या जितनी स्टडी की है, काफ़ी इम्पोर्टेंट लोगों से मेरी बातचीत भी हुई है मोहम्मदी बेगम के टॉपिक पर। बट सच्ची बात यह है कि जो तावीलात पेश की जाती हैं या जिस तरह से इस मामले को डिफेंड करने की कोशिशें की जाती हैं, कम से कम मैं ज़ाती तौर पर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सर, मेरी काफ़ी लोगों से पर्सनल पे भी बातचीत होती है, चाहे वो जमात अहमदिया क़ादियान के लोग हों, चाहे जमात अहमदिया लाहौरी फ़िरके के लोग हों, और यहाँ तक के जहाँ जमात अहमदिया इस्लाह पसंद यानी कि आपकी तंजीम के लोग हों। तो जाहिर सी बात है, जो पर्सनल बातें होती हैं वो तो रिवील आउट नहीं की जा सकती, और यही बुलंद अखलाकियात होते हैं। किस्सा मुख्तसर ये है कि मेरे से काफ़ी लोगों ने पर्सनल पे ये भी कहा है कि वो लोग इज्तिहादी गलती मानते हैं इस एपिसोड को, मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादियानी साहब की गलती थी ये। शाहिद अजीज़ साहब मोहतरम से कल बातचीत हुई थी ओपन ग्रुप में, उनका कहना यह है कि हम क्या मानते हैं, ये तो उन्होंने खुद मान रखा है मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताबों में, ये इज्तिहादी गलती है। बट मोहतरम, आप एक तंजीम के सरबराह हैं, कायद हैं इस्लाह पसंद तंजीम के, तो आपका बयान की इम्पोर्टेंस भी होगी और इम्पोर्टेंट नज़रिया रखता है हमारे नज़दीक। तो मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब, आप क्लियर कट ये बताएं कि क्या मोहम्मदी बेगम के वाक़े को और जो कुछ भी मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादियानी साहब और मोहम्मदी बेगम के दरमियान बातचीत हुई है, या जो भी कुछ मामलात हैं आपको भी मालूम है सर, बल्कि आपको ज़्यादा मालूम है हमको कम, क्या आप इस वाक़े को मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादियानी साहब की इज्तिहादी गलती मानते हैं या नहीं मानते? प्लीज़ रहनुमाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्ला। आई एम अमीर फैसल, एडमिन ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप फ्रॉम इंडिया। थैंक्स, जज़ाकल्ला। सामिन इकराम, आप लोगों ने सुन लिया है मोहतरम अजीज़म अमीर फैसल साहब के अल्फाज, वो क्या मुझसे सवाल कर रहे हैं। क्या आप, वो फरमाते हैं अमीर फैसल साहब, क्या आप इस वाक़या को हज़रत मिर्ज़ा साहेब अलैहिस्सलाम की इत्तेहादी गलती मानते हैं या कि नहीं मानते। तो पेशगोई मोहम्मदी बेगम के हवाले से उनका ये सवाल था। सामिन इकराम, जवाबन गुजारिश है यहाँ पर, ये जो सवाल उन्होंने मुझसे किया है कि पेशगोई मोहम्मदी बेगम के हवाले से मेरे आका और मेरी रूहानी माँ मोहम्मदी मरियम हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब की ये इत्तेहादी गलती थी। मुझे उम्मीद है कि अजीज़म अमीर फैसल साहब और हमारे दीगर अहमदी और गैर अहमदी मुसलमान भाई भी खाकसार के इस खुतबा जुमा को, आज जो मैं खुतबा जुमा पढ़ा रहा हूँ, इस खुतबा जुमा को तवज्जा, तकवा, नेक नीति और दयानतदारी के साथ सुनेंगे। उम्मीद है मोहतरम और अजीज़म अमीर फैल साहब को पता लग गया होगा कि मैंने उनका सवाल बड़े दो टोक अल्फाज में दे दिया है कि ये हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की इत्तेहादी गलती। मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं, आपका शुक्रिया पेश करते हैं। खुदा ताला आपके कामों में बरकत दे, आपको सेहत और तंदरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी इनायत फरमाए, आमीन। सर, ऐसे लोग ही अजमत वाले होते हैं, अजीम होते हैं, कि अगर साहिल कोई सवाल करे तो उसका नहायत दयानतदारी, ईमानदारी और तकबे के साथ जो भी सीधा जवाब बनता है वो दे दें। और इस चीज़ से ये भी साफ जाहिर होता है कि जैसे मैं माजरत के साथ कहता हूँ सर, मज़हबों को दुकानदारी बना लिया है लोगों ने, मज़हबों को बिजनेस बना लिया है, धंधा बना लिया है। और अगर वो लोग ये सोचते हैं कुछ लोग कि उनके धंधे पे, उनके बिजनेस पे, उनकी आमदनियों पे फ़र्क पड़ेगा,
तो ये तो जवाब को इग्नोर कर जाते हैं या जवाब देते नहीं या फिर उल्टे सीधे तावीलात पेश करते हैं। आप मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब के अंडर ही एक नबी का होने का दावा कर रहे हैं सर, आपको सलाम। और तब भी आपने ये बात बिल्कुल ओपनली और अनाउंस्ड वे में तस्लीम भी की और मेरी भी रहनुमाई की, बल्कि मेरे से ज़रिए तमाम लोगों को, दुनिया जहां को बताया कि जी हाँ, मोहम्मदी बेगम का एपिसोड मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब अलैहिस्सलाम की इज्तहादी गलती थी। आपके दयानतदाराना जवाब के लिए, आपकी बहादुरी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। दुआओं में याद रखें सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।